इंडियन रेलवे ने बनाई ऐसी नई तकनीक, अब बिजली से नहीं बल्कि हवा से चलेगी ट्रेन। अरब देशों की पेट्रोल डीजल की हो गई छूटी, रेलवे के इस नई तकनीक से हिल गया अमेरिका। दोस्तों, एक तरफ जहां भारत का इसरो हर दिन स्पेस सेक्टर में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है, सस्ता से सस्ता रॉकेट बनाकर अंतरिक्ष की दुनिया का बेताज बादशाह बन गया है, वहीं अब भारतीय रेलवे ने एक ऐसी नई तकनीक बना दी है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है। भारतीय रेलवे ने ऐसी तकनीक विकसित कर ली है कि अब बिजली से नहीं बल्कि हवा से चलेगी ट्रेन। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों का कमाल ही है कि भारत आज मेक इन इंडिया के तहत नए नए आविष्कारों की खोज कर रहा है, ऐसे ऐसे तकनीक तैयार कर रहा है जिसकी टेक्नोलॉजी दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। यही कारण है कि आज सुपर पावर अमेरिका भी इंडियन रेलवे द्वारा तैयार किए गए तकनीक को देखकर हैरान हो रहा है। लेकिन दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिकों ने ऐसा कौन सा तकनीक हासिल कर लिया है जिसको देखकर पूरी दुनिया हैरान है? तो दोस्तों, इस कमाल के तकनीक के बारे में जानेंगे, लेकिन उससे पहले इंडियन रेलवे के दिन रात के मेहनत से तैयार किए जा रहे इस आविष्कार के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर करें और कमेंट में जय हिंद अवश्य लिखें। दोस्तों, एक तरफ जहां डीआरडीओ और इसरो के वैज्ञानिकों ने डिफेंस सेक्टर में धमाल मचाया हुआ है, ऐसी ऐसी तकनीक का खोज कर रहे हैं जिसको देखकर रूस, चीन और अमेरिका के पैरों तले जमीन खिसक गई है। देखा जाए तो इसरो अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर पूरी दुनिया में फेमस है, लेकिन इस बार रिकॉर्ड टूट गया है। इस बार इंडियन रेलवे ने इसरो को पीछे छोड़ दिया है। जहां इसरो ने रॉकेट से लेकर अंतरिक्ष यात्रा को सस्ता बना दिया, वहीं इंडियन रेलवे ने इसरो को पीछे छोड़कर एक ऐसी ट्रेन बना डाली है जो पेट्रोल डीजल से नहीं बल्कि हवा से चलेगी। यानी भारत के इस दुर्लभ तकनीक ने पूरी दुनिया में भूचाल ला दिया है। भारतीय रेलवे के इस खोज ने महंगाई की भी कमर तोड़ेगी। वैज्ञानिकों के इस खोज से रेलवे का पूरा नक्शा ही बदल जाएगा। सबसे खुशी की बात तो यह है कि भारत ऐसा करके पूरी दुनिया में अपनी एक अलग ही पहचान बना लिया है। देखा जाए तो भारत की ताकत इतनी बढ़ गई है कि भारत हर सेक्टर में अपने कामयाबी का झंडा गाड़ रहा है। अमेरिका, रूस और अरब देश जो तेल को लेकर इतना घमंड दिखा रहे थे, उनकी सारी हेकड़ी निकल गई है, क्योंकि भारत ने ऐसा इंजन बना लिया है जिसको चलने के लिए डीजल पेट्रोल की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारतीय रेलवे ने इस दुर्लभ तकनीक को विकसित करके इतिहास रच दिया है। अब वंदे भारत और बुलेट ट्रेन हुई पुरानी, क्योंकि अब रेल की पटरी पर दौड़ेगी हवा से चलने वाली ट्रेन। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं हाइड्रोजन ट्रेन की। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये कौन सी ट्रेन है और हवा से कैसे चलेगी। तो दोस्तों, आपको बता दें कि आजकल इंडियन रेलवे काफी एडवांस लेवल पर पहुंच चुकी है, क्योंकि एक तरफ जहां वंदे भारत ट्रेन भारत की शान बनी हुई है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द रेल की पटरियों पर बुलेट ट्रेन दौड़ती हुई नजर आएगी। लेकिन इन सभी ट्रेन के बावजूद भी आपको एक अलग तरह की नई ट्रेन देखने को मिलेगी, जो बजट के साथ साथ पर्यावरण के लिए भी काफी कारगर साबित होगी, क्योंकि इस ट्रेन से किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं निकलेगा, जिससे कि हमारी पृथ्वी को पुनर्जन्म मिल जाएगा। दोस्तों, इस समय हमारी पृथ्वी प्रदूषण से इस कदर घिर चुकी है जैसे मानव हमारी धरती पूरी तरह से घायल हो चुकी है। इंसानों का अस्तित्व खत्म होने के कगार पर है। इसलिए भारतीय रेलवे ने जो ट्रेन बनाई है वो डीजल और पेट्रोल से नहीं बल्कि हाइड्रोजन से चलेगी। इस ट्रेन के लिए आपको लंबा इंतजार करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि यह ट्रेन किसी फ्यूचर टेक्नोलॉजी पर आधारित नहीं है, बल्कि यह ट्रेन पटरियों पर उतर चुकी है, बस चलने की देर है। यह ट्रेन भारत से बिजली की खपत को कम करने में मेल का पत्थर साबित होगी, क्योंकि इस ट्रेन की सबसे खास बात यह है कि इसमें इस्तेमाल होने वाला फ्यूल कोई पेट्रोल या डीजल नहीं है, बल्कि इसमें हाइड्रोजन फ्यूल का इस्तेमाल किया जाएगा। अब आपको बता दें कि हाइड्रोजन फ्यूल क्या है और यह किस तकनीक पर चलती है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन ट्रेन हाइड्रोजन फ्यूल से चलने वाली ट्रेन है। इस ट्रेन में डीजल इंजन के बजाय हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स लगाए जाते हैं। यह ट्रेन कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन जैसे हार्मफुल गैसों को रिलीज नहीं करती है। यह ट्रेन वातावरण के लिए वरदान साबित होगी। अब आप सोचेंगे कि हाइड्रोजन गैस से ट्रेन कैसे चलेगी। तो दोस्तों, हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की मदद से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को बदलकर बिजली पैदा की जाती है। इसी बिजली का इस्तेमाल ट्रेन को चलाने में किया जाता है। दोस्तों, इस ट्रेन की खासियत जानकर आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा
और आप भी रेलवे की तारीफ करते हुए नहीं थकेंगे। दोस्तों, इस ट्रेन की खासियत की बात करें तो ये ट्रेन बिना धुआं छोड़े चलेगी, जिससे प्रदूषण भी नहीं होगा। वहीं इस ट्रेन के रफ्तार की बात करें तो यह ट्रेन 150 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से 1000 किलोमीटर दौड़ सकती है। हालांकि भारत में चलने वाली यह ट्रेन फिलहाल 120 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। रेलवे के कपूरथला और इंटीग्रल कोच फैक्ट्री में इन ट्रेनों को तैयार किया जा रहा है। अब दोस्तों, थोड़ा हाइड्रोजन फ्यूल के बारे में भी जान लेते हैं कि यह फ्यूल कैसे तैयार किया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि हाइड्रोजन एक तरह की स्वच्छ ऊर्जा है, जो रिन्यूएबल एनर्जी जैसी सोलर पावर का इस्तेमाल करके पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बांटने से पैदा होती है। बिजली को जब पानी से होकर गुजारी जाती है तो हाइड्रोजन पैदा होती है। यह हाइड्रोजन कई चीजों के लिए ऊर्जा का काम कर सकती है। कमाल की बात तो यह है कि इससे प्रदूषण नहीं होता है, इसलिए इसे ग्रीन हाइड्रोजन कहते हैं। लंबे समय से भारत अपने ऊर्जा क्षेत्र को डीकार्बोनाइज्ड यानी कार्बन मुक्त करने में जुटा है। इसको लेकर लगातार भारत सरकार ग्रीन हाइड्रोजन पर फोकस भी कर रही है। कुछ समय पहले ही भारत सरकार ने देश की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी के पहले भाग को जारी किया है। दोस्तों, इस ट्रेन को लेकर आपको एक बात और बता दें कि हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं, और वो ये हैं कि अभी हाइड्रोजन ट्रेन डीजल और बिजली से चलने वाली ट्रेनों के मुकाबले काफी महंगी है। हालांकि इसे इंडियन रेलवे सस्ता बनाने में बड़े जोरों शोरों से जुटा है और कामयाबी भी मिल गई है, क्योंकि भारत अब बायोमास टेक्निक से हाइड्रोजन तैयार करेगा, जो काफी हद तक सस्ता होगा। अब आप सोच सकते हैं कि भारत कितनी तेजी से खुद को बदल रहा है। आज भारत की ताकत लगातार बिजली की रफ्तार के साथ बढ़ती जा रही है। भारतीय वैज्ञानिकों ने दिन रात की कड़ी मेहनत से ऐसे ऐसे टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया है, जिसको देखकर रूस, चीन और अमेरिका के भी होश उड़ गए हैं। और यह सारी बातें कोई हवा हवाई नहीं है, बल्कि हकीकत में है, क्योंकि जापान में रेल की पटरियों पर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ रही है। वहीं दूसरी तरफ फ्रांस की कंपनी ऑलस्टोम ने दुनिया की पहली हाइड्रोजन ट्रेन तैयार किया है, जो 2 साल के टेस्ट करने के बाद साल 2019 में इसे यात्रियों के लिए खोला गया। दोस्तों, अब जापान के बाद भारत में भी हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने वाली है, जो कि इन सब का बाप होगा। बताया जा रहा है कि इसी साल के अंत तक रेल की पटरियों पर हाइड्रोजन ट्रेन दौड़ने लगेंगे। इससे लाखों करोड़ों भारतवासियों का सफर सस्ता और आरामदेह हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपका क्या कहना है इस हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में? क्या भारत को इस तरह का ट्रेन बनाना चाहिए या नहीं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।